बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फेलिशिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी एक डिज़र्ट लेकर आई हूँ, चॉकलेट डिज़र्ट। ये बहुत ही यूनिक है, आपने इससे पहले ये वाला डिज़र्ट पूरी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट की है। तो इस चॉकलेट डिज़र्ट के लिए हमें यहाँ पर केक लिए हैं, मिनी केक, ये बेक टाइम के हैं। और मैंने मार्बल केक लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं चॉकलेट पुडिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर के ही केक लिए हैं। इसके अलावा आइसक्रीम ली है, पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, ये मेरी होममेड ही पिस्ता आइसक्रीम है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है चॉकलेट सॉस। किसी भी ब्रांड का आप चॉकलेट सॉस ले सकते हैं, अगर चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। इसके अलावा ब्राउन शुगर ली है मैंने 4 टेबल स्पून। डार्क चॉकलेट ली है, यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है 100 ग्राम। इसके अलावा ऑलपर के 2 पैकेट लिए हैं। दूध लिया है हस्ब ज़रूरत, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध है यहाँ पर, मिल्क। तो चलिए सबसे पहले हम क्रीम के पैकेट खोल लेते हैं। यहाँ पर दोनों पैकेट मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं और फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम पे इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे बिल्कुल। अब जैसे ही ये गर्म हो जाएगी, ये देखिए पिघलने लगी है, अब इसमें डाल देंगे चॉकलेट। और साथ ही सॉस, चॉकलेट सॉस। अब जब तक कि हमारी चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट हो रही है, तब तक हम यहाँ पर केक की लेयर सेट कर लेते हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, बच्चों के लिए आइडियल रेसिपी है। यहाँ पर देखिए क्रीम और चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे ब्राउन शुगर। मिक्स करेंगे, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल लो पे रखिएगा, क्योंकि क्रीम और चॉकलेट बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ख्याल करके आप अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेना है, चॉकलेट और क्रीम एक जान हो जाए। देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। और ये इतनी गर्म भी नहीं है, और याद रखिएगा गर्म को पोर मत कीजिएगा, जब ये ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही हम इसे केक के ऊपर पोर करेंगे। अब इसके ऊपर ये सारी आइसक्रीम डाल देंगे। पहले तो हम इसे मैश कर लेंगे, इस तरह से प्लेन कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। हो गई, इसके ऊपर डालते जाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, नीचे आइसक्रीम की लेयर, फिर ऊपर से चॉकलेट, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए ये पुडिंग्स बनाती रहती हूँ और काफ़ी इंजॉय करते हैं मेरे बच्चे, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। और कोई चीज़ मिस हो जाए या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए सारी सेट हो गई आइसक्रीम, देखिए लग गई। अब इसके ऊपर फिर से हम केक की एक लेयर देंगे।
यहाँ पर ये केक ही अच्छे लगेंगे। अगर आप अपनी पसंद से चाहें तो बिस्किट की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केक ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब इसके ऊपर पोर कर देंगे सारी चॉकलेट। देखिए कितनी अभी से ही कितनी मज़ेदार लग रही है। ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ठंडा ही सर्व कीजिएगा। ये देखिए मैंने चॉकलेट ऊपर से पोर कर दिया है, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिस्ता। आप चाहें तो चॉकलेट ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिस्ता डाल रही हूँ। पिस्ते का फ्लेवर चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि इसमें आइसक्रीम भी पिस्ता आइसक्रीम थी, इसलिए मैं पिस्ता ही डाल रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो भी फ्रूट इसमें डालिएगा। तो ये देखें हमारी चॉकलेट डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। आप नीचे से भी देख सकते हैं आइसक्रीम की लेयर भी आ रही है, चॉकलेट की लेयर आपस में मिक्स हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखा कितनी आसान है, ना हमें बेक करना पड़ा और ना ही कोई और टाइम लगा, तो कितनी मिनटों में बन गई और इतनी मज़ेदार होती है ये। और अगर आप इसे ठंडा सर्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होगा, बच्चे आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।